चार जून मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। मोदी के इस आत्मविश्वास को देख विरोधी हैरान है, मोदी के इस कमिटमेंट को सुनकर विपक्ष परेशान है। जो जो मोदी बोल रहे हैं, जहां जहां मोदी जा रहे हैं, हर जगह उमड़ता जनसैलाब ये दिखा रहा है कि मोदी का मैजिक ना सिर्फ बरकरार है, बल्कि मोदी इस बार दुगनी ताकत से वार करने वाले हैं। लेकिन मोदी के इस वार पर विपक्ष कैसे पलटवार कर रहा है, किस हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, ये देखा है आपने? विपक्ष बार बार कह रहा है कि ये आखिरी चुनाव है, देश की जनता के दिमाग में ये डर दिखाकर ये घर कराने की कोशिश की जा रही है कि अगर मोदी तीसरी बार चुनकर आ गए तो इस देश में चुनाव नहीं होंगे। ये आखिरी चुनाव का एजेंडा कहां से आया, क्यों आया, और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस झूठे एजेंडे को प्रोपेगेंडा क्यों बनाया जा रहा है? आखिर मोदी के खिलाफ ये कौन सी साजिश रची जा रही है? मोदी के खिलाफ ऐसा डर क्यों दिखाया जा रहा है? देश के हर कोने से विपक्ष प्रोपेगेंडा की शक्ल में एजेंडा पर काम क्यों कर रहा है? कहां से आया ये एजेंडा, क्यों आया, आज इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। पहले सुनिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। আমরা আপনাদের কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে দেব না, এনআরসি করতে দেব না। চিৎকার করে বলুন এনআরসি হবে না, আধার কার্ড বাতিল চলবে না। अपनी हर रैली में ममता मोदी के खिलाफ इसी डर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। दरअसल बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक को ममता का बेस वोट माना जाता है। ये वो वोट बैंक है जो लेफ्ट से खिसक कर अब ममता के पाले में आ चुका है। इसी वोट बैंक के दम पर ममता पश्चिम बंगाल में बीते एक दशक से राज कर रही है। तुष्टीकरण के दबाव में ही कांग्रेस हो या सपा, सीएए का भी विरोध कर रही है, विदेशी धरती पर अत्याचार की वजह से भागने के लिए मजबूर हुए हिंदुओं और सिख भाई बहनों को, आप मुझे बताइए, मेरे इन हिंदू भाइयों बहनों को, मेरे इन सिख भाई बहनों को भारत अगर नागरिकता नहीं देगा तो कोई और देगा क्या? सीए एनआरसी के साथ मोदी का अगला संकल्प पूरे देश में यूसीसी को लागू करना है, और मोदी का यही संकल्प विपक्ष को चैन की नींद नहीं सोने दे रहा, यही संकल्प उसे डरा रहा है। क्या सीडब्ल्यूए कानून से पहले उनको सिटीजनशिप देने का कानून नहीं था? था, बिल्कुल दीजिए आप, मगर हमारा एतराज यह है कि मजहब की बुनियाद पर नहीं कानून बनाया जा सकता। लोग बार बार मुझसे कहते हैं तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारी शरीयत तो नहीं लेंगे नासिरुद्दीन। मैं उनसे कहता हूं कि सीडब्ल्यूए का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, एनपीआर का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, एनआरसी का ताल्लुक सिटीजनशिप कानून से है, और कब से हम लोग मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप देंगे? मजहब की बुनियाद पर जब सिटीजनशिप दी जा रही है तो मजहब की बुनियाद पर छीनी भी जा सकती है। मजहब की बुनियाद पर जब सिटीजनशिप दी जा रही है तो मजहब की बुनियाद पर छीनी भी जा सकती है ना। मुसलमानों के वोट बैंक पर अपनी राजनीति चमकाने वाले AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी जमात को मोदी का डर दिखाते हैं। अपनी हर रैली, हर सभा में ओवैसी भी
सीए एनआरसी को पूरी कौम के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हैं। मेरा एजेंडा यह है कि तीसरी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने। मेरा एजेंडा यह है कि सीएए कानून के खिलाफ हमने बिल को फाड़ा, यह संविधान के खिलाफ है। मेरा एजेंडा यह है कि देश में मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स ना चले। मेरा एजेंडा यह है कि देश में भाईचारगी रहे, बीजेपी उसके खिलाफ है। मोदी के खिलाफ ये खौफ चौतरफा फैलाया जा रहा है, न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरी जनता के दिमाग में प्रोपेगेंडा के जरिए ये डर बिठाने की कोशिश की जा रही है कि मोदी अगर तीसरी बार आ गए और पूर्ण बहुमत से आ गए, जैसा कि वो 400 पार का मिशन लेकर चले हैं, तो इस देश में चुनाव नहीं होंगे, वो संविधान ही बदल कर रख देंगे। इधर जम्मू कश्मीर की हॉट सीट कही जाने वाली अनंतनाग राजौरी सीट से उम्मीदवार और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रखा है। वो भी इसी एजेंडे पर मुखर है कि इस बार का चुनाव आखिरी है। पूरी वादी में पकड़ रकड़ का माहौल शुरू हो गया। अगर एक तरफ से इलेक्शन कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो दूसरी तरफ से पकड़ रकड़ क्यों है? तो इसी पकड़ दकड़ के खिलाफ जो हमारे हजारों की तादाद में नौजवान जेलों में बंद है, जो यहाँ बात करने के ऊपर कदगन लगा हुआ है, जो आप यहाँ सांस भी नहीं ले सकते हैं, यहाँ हमारे ख्यालात पे भी पहरा बिठाया गया है, तो उसके खिलाफ ये अपनी आवाज पहुँचाने के लिए इलेक्शन की मुहिम मैंने शुरू की है। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी हो, तेलंगाना से ओवैसी हो, या जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती, हर किसी को खटक रहा है मोदी का नाम, मोदी का संकल्प और मोदी का विजन। मोदी के खिलाफ इस प्रोपेगेंडा को यूपी और दिल्ली में भी हवा दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रुचिवीरा भी मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए मोदी के डर का इस्तेमाल कर इस चुनाव को आखिरी चुनाव बता रही है। अरे तुम वो काम हो, तुम वो लोग हो, जो भूखे पेट रहकर, जो फाके फाके से रहकर पेटों पे पत्थर मार के जिहाद करने का काम करते हो। हाल ही में तिहाड़ से जमानत पर बाहर आए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी इसी प्रोपेगेंडा पर काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को ये संदेश दे रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव आखिरी चुनाव है। पूरे देश में लोगों के मन में इस बात की आशंका उत्पन्न हो रही है। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के और कार्यकर्ताओं के मन में ये बात लगातार मजबूत और दृढ़ हो रही है कि 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है, और इसके बाद गलती से अगर मोदी जी की सरकार आ गई तो देश का संविधान बदल देंगे। विपक्ष हर बार अपनी बात पर ये जोर लगा रहा है कि गलती से मोदी की सरकार आ गई। गलती से कैसे कोई सरकार आती है, ये इन सियासी लोगों से समझने की जरूरत है। ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता वोट करती है और सरकार बनाती है। रही बात संविधान बदलने की, क्या संविधान को बदलना इतना आसान है क्या? मोदी देश की जनता को समझा चुके हैं कि इस देश का संविधान अगर संविधान रचयिता भी आ जाएं तो भी नहीं बदल सकते। जहां तक संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आंबेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। हमारा संविधान सरकार के लिए गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, ये सब कुछ हमारे लिए हमारा संविधान है। इस देश के विकास के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र का विजन विपक्ष को पच नहीं रहा है। उनको लगने लग गया है कि 2047 का विजन जो बीजेपी लेकर आई है उसका तोड़ ना ही उनके वादों में है और ना ही उनके दावों में है। इसका तोड़ है डर में, इसका तोड़ है खौफ में, इसका तोड़ है एक ऐसी प्रदूषित हवा में जिसका जहर संक्रमण की तरह लोगों की रगों में घुस जाए, इसीलिए इस प्रोपेगेंडा को हवा दी जा रही है। मोदी का आत्मविश्वास और उनका कमिटमेंट
जनता से इसीलिए है क्योंकि बीते 10 सालों में मोदी ने जो वादा किया उन वादों को पूरा किया और उन्हीं पूरे हुए वादों के दम पर मोदी 2047 तक के विकास का रोडमैप लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।